हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीशगढ़ जय इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि DFCCIL का स्टेशन कौन कौन ऐसा स्टेशन है जो बिहार में है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो DFCCIL में जैसे रेलवे में जोन में बांटा गया है, वैसे ही यहाँ पर रेलवे में DFCCIL में आपका यूनिट वाइज बांटा गया है। बहुत सारे यूनिट है, देखिएगा तो नोटिफिकेशन में दिया गया है, बहुत सारा यूनिट है, कौन कौन सा स्टेशन उसके अंदर आता है वो सारा चीज़ दिया गया है। जो DFCCIL का नोटिफिकेशन आया था उसमें सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन सा यूनिट है। तो अभी दो दो यहाँ पे कॉरिडोर बना है, EDFC WDFC। आपका जहाँ भी पोस्टिंग होगा वो तो या तो EDFC में होगा या WDFC में होगा। WDFC में बहुत सारे यूनिट है, उसी तरह से EDFC में बहुत सारा यूनिट है। जो EDFC हमारा चालू होता है वो होता है दादरी से लेकर के हमारा सोन नगर तक है, जो DD यूनिट में आता है। तो यहाँ से लेकर के दादरी तक अभी हमारा बना हुआ है। बाकी अभी जो सोन नगर से लेकर के जो पश्चिम बंगाल का सेक्शन बनना था वो अभी चालू नहीं हुआ है, वो अभी प्रस्तावित है, जो अभी बनेगा तो वो अभी DFCCIL के अंदर में नहीं है। तो अभी जो हमारा है वो सोन नगर से दादरी तक बना हुआ है, जो कि अभी चालू हो गया है पूरा। तो इसी के अंदर में आपका पोस्टिंग होगा, या तो सोनगर से दादरी के बीच में जो कॉरिडोर है EDFC वहाँ पे होगा, या आपका पोस्टिंग होगा जो WDFC है वो दादरी से लेकर के JNPT तक है, तो वहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है उस कॉरिडोर में। तो अभी हम EDFC में बात करेंगे। जो हमारा सेक्शन है अभी बिहार में जो है स्टेशन वो EDFC में आता है, और EDFC जो है वो यूनिट है, DD यूनिट जो है वो बिहार का जो भी स्टेशन है वो सब DD यूनिट में आता है। एक DDU स्टेशन है जहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, ये स्टेशन प्रयागराज ईस्ट में आता है, और DDU स्टेशन लास्ट है प्रयागराज ईस्ट का। यहाँ से उत्तर प्रदेश से जब बिहार साइड जाएंगे तो यहाँ से आपका मुगल सराय यूनिट आ जाता है, जो DD यूनिट है। DD यूनिट चालू होता है उत्तर प्रदेश से, जो कि बिहार साइड जाता है। तो इस साइड से आप जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश अब मुगल सराय से जाएंगे तो बिहार साइड जाएंगे, तो वहाँ पे ये जो मुगल सराय है ये समझ सकते हैं कि बॉर्डर है, जो यूपी और बिहार का बॉर्डर समझ सकते हैं इसको, जो हमारा मुगल सराय स्टेशन है। इसके बाद से जस्ट चालू हो जाता है DD यूनिट, और DD यूनिट में बिहार का स्टेशन आता है। सबसे पहले आप जाएंगे तो पहला स्टेशन गंज ख्वाजा आएगा, जो DDU के जस्ट बाद है 10 किलोमीटर, गंज ख्वाजा स्टेशन। ये गंज ख्वाजा स्टेशन है जो यूपी में ही है। उसके बाद जो स्टेशन आता है वो स्टेशन आता है हमारा दुर्गावती स्टेशन, जो न्यू दुर्गावती है। तो ये दुर्गावती स्टेशन है जो बिहार साइड में पड़ता है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, भभुआ डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो है वहाँ पे पड़ता है। उसके आगे जाएंगे तो एक स्टेशन कुदरा पड़ता है, और उसके बाद एक और आगे जाएंगे उसके स्टेशन, तो उससे आगे तो सासाराम के बगल में करवंडिया जंक्शन है, वहाँ पे है, जो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, तो वहाँ पे है एक करवंडिया स्टेशन। उसके बाद जस्ट आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्टेशन पड़ेगा एक सोनगर, जो सबसे लास्ट है। तो इतना स्टेशन है, सबसे पहले यहाँ से DDU के बाद आपका स्टेशन आएगा वो गंज ख्वाजा के बाद बिहार में पड़ेगा आपका दुर्गावती स्टेशन, दुर्गावती के बाद पड़ेगा आपका न्यू कुदरा स्टेशन, फिर उसके बाद आगे पड़ेगा न्यू करवंडिया स्टेशन, फिर न्यू सोनगर। तो इतना स्टेशन है जो बिहार में है, चार स्टेशन है जो बिहार में है। बाकी यहाँ पे एक मुगल सराय मान सकते हैं, ये भी बॉर्डर पे है, और जो गंज ख्वाजा है ये भी मुगल सराय से 10 किलोमीटर और आगे है बिहार साइड में। तो इतना स्टेशन है यहाँ पे, ये लगभग समझ सकते हैं कि बिहार साइड में है ये। बाकी सब स्टेशन है वो यूपी में है, क्योंकि इसके मुगल सराय से लेकर के जो भी स्टेशन आता है वो सारा स्टेशन दादरी तक ये सब यूपी में आते हैं। उसके बाद WDFC आ जाता है। तो ये सारा स्टेशन है बिहार में जिनको प्रिफ्रेंस देना है, बिहार साइड में अगर जिनका घर है तो वो प्रिफ्रेंस दे सकते हैं DD यूनिट के लिए, प्रयागराज ईस्ट के लिए दे सकते हैं। तो ये सारा DD यूनिट में देंगे तो वहाँ पे आपका जो पोस्टिंग होगा बिहार साइड में जा सकते हैं। तो बाकी उसके आगे का लाइन जो सोनगर का है वो अभी प्रपोज्ड है, जो बनेगा अभी। तो यही सब था इस वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।